हम लोगों ने आदिकुआरी माता के दर्शन कर लिए है। हाय 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 हाय, सभी भक्तों को जय माता दी। तो पहाड़ों की बरसात का तो मजा ही कुछ और होता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जब हम अर्धकुआरी से ऊपर जाने वाले थे तो बहुत जोर की बारिश हुई, लेकिन माता रानी के सभी भक्त इस पूरी बारिश का आनंद उठा रहे थे और भीगते हुए जय माता दी और जय माता दी के जयकारे लगा रहे थे। तो हमें तो बहुत मजा आया। माता के भवन जाने का रास्ता इस सुंदर गुफा से होकर जाता है, जो कि अर्धकुआरी से लगभग 5-5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और जब हम इस गुफा से बाहर निकले तो सुबह सुबह सूरज का नज़ारा और ये बादल जो कि पूरे पहाड़ों को छू रहे थे और माता रानी के मंदिर को कुछ इस तरीके से ढक रखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा नज़ारा कहीं नहीं देखा। जितना प्यारा माता रानी का भवन है उससे कहीं ज़्यादा प्यारा माता रानी जिस एरिया में रहती है वो एरिया है। मेरा तो मन हो रहा था कि मैं यहीं बस जाऊँ। देखो आप बादल, यहाँ के जो बादल है वो पहाड़ों को घेरे हुए थे और हम ऊपर से इन बादलों को देख रहे थे। आप बिलीव भी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बार ज़रूर जाएं। हमने इन सुंदर नज़ारों के साथ अपनी यात्रा जारी रखी और आगे जाके एक छोटा सा ब्रेक लिया, टी ब्रेक। तो यार हम लोग मस्त खाना खा रहे हैं, खाना नहीं कह सकते, मतलब नाश्ता ही कर रहे हैं और इतना शोर हो रहा है, शायद ही आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही हो। तो हम लोगों ने आदिकुआरी माता के दर्शन कर लिए हैं, मतलब पर्ची इधर उधर करके किसी तरीके से दर्शन, सब जुगाड़ से। हाँ, कंबल भी हमें जुगाड़ से मिला था। कल हमने दिखाया था आपको कितनी भीड़ थी, तो कंबल भी हमें जुगाड़ से मिला। किसी भैया ने हम पे तरस खा के हमें 2 कंबल दे दिए थे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जगह भी हमें मिल गई थी सोने के लिए। और फिर यात्रा के लिए वो जो अंदर गुफा में जाने के लिए जो पर्ची थी ना, उसके भरोसे रहते हैं तो हम 2 दिन के बाद दर्शन कर पाते। तो हमने किसी से रिक्वेस्ट की, उसका नंबर आने वाला था, तो हमने बोला कि भाई हमें भी ले चलो अपने साथ। तो वो लेके गया हमें। और फिर इन्होंने, बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा गुफा का? गुफा अलग छोटा सा है, बस वही डिसएडवांटेज है, अदरवाइज ना इतना बढ़िया सा है। मतलब आप ना, जब अगर कोई मोटा होगा ना, उसको पक्का ये कहीं ना कहीं चैलेंज आता होगा कि वो कैसे बाहर आए। भाई बड़ा ही चैलेंजिंग है और बड़ा प्यारा है, लेकिन छोटा काफ़ी है, बस वही है। तो उसकी स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे माता रानी 9 महीने तक रुकी थी, फिर भैरव बाबा से लड़ाई करती है। इसके बाद लड़ाई करने के बाद वो फिर आखिरी चेतावनी भैरव को देती है कि मान जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं मानता। फिर वहाँ से त्रिशूल फेंक के मारती है, उसका सर कटता है, जो कि इस पर्वत की त्रिकुट पर्वत से सबसे टॉप चोटी पर है, वहाँ हम लोग जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर वो जब दर्द अलग होता है तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार यही देवी माता है। फिर वो हाथ पैर जोड़ता है, पुकारता है, मामा करता है। फिर माता रानी उसको माफ़ करती है, उसको दर्शन देती है। और फिर दर्शन देने के बाद वो कहता है मैं तो साधु हूँ, मेरे को सब लोग धुतकारेंगे, मतलब मेरे को कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ वरदान दे दें जिसकी वजह से सब मेरे को पसंद करें। तो माता रानी उसको वरदान ये देती है कि मेरी यात्रा करने के बाद जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसी की यात्रा सफल होगी। तो अब हम आदिकुआरी से माता रानी के भवन तक जाएंगे। भवन की स्टोरी ये है कि यहाँ पे माता रानी ने अपनी जो उनके 3 अंश थे ना, काली, सरस्वती और माँ लक्ष्मी, उन 3 अंशों को डिवाइड करके वहीं पे पिंडी के रूप में क्रिएट कर देती हैं। वहाँ पे भी फोन अलाउ नहीं है। और हम लोग अभी लाइक अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं, 1 ही किलोमीटर बचा है। तो सोचा आप वीडियो बना लेते, क्योंकि वीडियो बनाने की कहीं स्पेस अच्छे से थी नहीं, तो यही अच्छा था। वैसे बाकी आपको नज़ारा पीछे का दिखाता हूँ, देखो व्हाट इज द व्यू, ये काफ़ी इंजॉयबल व्यू है, देख सकते हो आप लोग। इस काइंड ऑफ रिच फीलिंग यहाँ पास आ रही है। तो देखो आप लोग अच्छे से दिखा दिया आपको, अभी है ना प्यारा नज़ारा, खूबसूरत सा। अब आपसे मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए मस्त रहे। सीधा भवन आपको दिखाते हैं, फिर इसके बाद ऊंचाई यानी भैरव बाबा के यहाँ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ सफल कर रहे हैं। आप लोग हमें यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग घर बैठे इंजॉय कर रहे हो। हाँ यार, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बट मोस्टली यहाँ यंग नहीं ओल्ड पीपल होते हैं और काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग है, आई मीन व्यू इंजॉय करते हो। बाकी एक चीज़ याद रखना यार, यार ठंडा बहुत लगता है
जब आप आते हो ना तो ये मेक श्योर करें कि कुछ रख के आए, भले ही यहाँ मिले, क्योंकि ठंडा बहुत होने वाला है। बाय एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। हाय 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 हाय, देखो यार बादल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास में ही है, इनको जाके मैं पकड़ने वाला हूँ। यार तो हम वही जाने ये वाले जो पर्वत आप देख रहे हो ना, ये वाला इसी के पीछे है भवन, माता रानी का भवन, जहाँ पे माता रानी तीन पिंडियों के रूप में बैठी हुई है। मतलब यहाँ से भी नहीं दिखता है, बट ट्रेन का यहाँ से एक ही किलोमीटर तो है ना, अप्रोक्सीमेटली है ना, उधर से घुमा के है। ऐसा क्या, वो घुमा के पीछे की तरफ। देखो यार नजारा तो देखो, मुझे डर लग रहा है कि मेरा मोबाइल यहाँ गिर ना जाए। मिलेगा भी नहीं, मिलेगा पॉसिबल ही नहीं है। देखो अच्छा सोचो, आप लोग बताओ प्रियंका क्या करती है अगर एक कंडीशन दिया होता। वो जो पेड़ देख रहे हो ना, वो पेड़ ही मुझे दिख रहा है, अगर प्रियंका को उस पेड़ में बैठा देते तो प्रियंका मैं कैसे बचाते? मिलती नहीं, मैं शांति से बैठी रहती थी पे। क्योंकि अगर एक भी पैर इधर उधर करूंगी ना तो मैं सीधे नीचे जाऊंगी, इसलिए कुछ नहीं करती। और देखो ना यार पहाड़ में कितना अच्छा होता है, छाया होती है वहाँ, धूप होती है, और ये बंदर देखो फॉग कितना हो रखा है उधर। एग्जैक्टली अभी दोपहर में फॉग दिख रहा है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। एग्जैक्टली बाकी यहाँ बंदर तो लोग मॉल देते रहते हैं। हाँ ये पहले ना नहीं, ये पहले क्या करते हैं दूर से ना ऊपर से स्कैन करते हैं किसके पास क्या है। देखो स्कैन कर रहे हैं वो, अगर खाने वाली चीज़ होगी ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो अभी वहाँ लोग खाना बना रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं। आप अंदर देख पा रहे हो, बैठा हुआ है वो, ये बैठा हुआ है, ये जा रहा है, तो ये स्कैन कर रहा है खाने के लिए। प्रियंका ने खिलाया था, वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा मज़ा आता है। अभी मोबाइल देख रहा है, मैं आपको भवन दिखाता हूँ। बाय। रास्ते में मुझे ये हिरन दिखा जिसको मैंने चना खिलाया, और जब हम माता रानी के भवन तक पहुंचने ही वाले थे तब देखा वहीं से सजावट शुरू हो रखी थी और जगह जगह भंडारे हो रहे थे, जिसको खाया हमने और बहुत इंजॉय किया। और ये देख रहे हो आप, ये एकदम ताज़े फूलों की सजावट है, वो भी असली वाले फूल। तो माता रानी की कुछ प्रतिमाएं बनाई गई थी इस तरीके से, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 5 करोड़ सुंदर सुंदर फूलों से सजावट की गई है माता रानी के भवन की।